ब्लैक फंगस वाकई में जब अटैक करता है तो सीवियर कंडीशन पैदा कर देता है। इसमें जो ऑर्गन स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है, अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँख को इफेक्ट करता है या सिर्फ आपके अंधे होने के चांसेस हैं। अगर ये सीवियर कंडीशन में गया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो जानलेवा ब्लैक फंगस है, बेसिकली 52 कोविड सर्वाइवर डाइड ऑफ ब्लैक फंगस इन महाराष्ट्र सो फार। जरा समझिए, महाराष्ट्र में जो कोविड, मतलब 52 ऐसे कोविड सर्वाइवर थे जिनकी मृत्यु है, जिनकी डेथ है, वो ब्लैक फंगस से हो गई है। जरा समझिए कि कोरोना से बच गए थे, ठीक है, कोरोना से बच गए थे, लेकिन वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। अबाउट 40 डेथ्स रिलेटेड टू ब्लैक फंगस हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में भी 40 के करीब डेथ हो चुकी है ब्लैक फंगस की वजह से। अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है किसी भी चीज का तो उसको हम बचा सकते हैं। और ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हिला सकती है, बट ये सच है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है जो ये घाव बन जाता है आंख में, और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है।